चलिए अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। कोई बात नहीं, प्रिंस जी हमने मान लिया आप नहीं आए। ठीक है, फिर वो बोलेंगे हम आए थे। ठीक है, हमने सबको तो समझा दिया, बैलेंस शीट सही होगी तो आए थे, नहीं होगी तो नहीं आए थे, है ना। चलिए अभी आप क्वेश्चन बोल दी। आप यहाँ पे ALC से लेजर बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अंडर में आएगा, कैपिटल अकाउंट में एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। HDFC बैंक चलते हैं, आप वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में, 2 में आ जाएगा कैपिटल 5 लाख, है ना। बाय में आ जाएगा कैश, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए, माल खरीदा तो एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर में, परचेज अकाउंट में आ जाएगा, सॉरी पार्टी नेम में आ जाएगा कैश, नगद माल है, परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज, अल्टर प्लस सी से परचेज का लेजर बना लेंगे। परचेज अकाउंट अंडर में आएगा परचेज अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। आइटम के नाम अल्टर प्लस सी से स्टॉक आइटम बना लेते हैं, आप यहाँ लिखेंगे वीवो मोबाइल, अंडर में से ग्रुप हो जाएगा मोबाइल, अल्टर प्लस सी से आप ग्रुप बनाएंगे मोबाइल, एंटर कर देंगे, अंडर में आ जाएगा ये प्राइमरी, एंटर, यूनिट हो जाएगी पीसेस, अल्टर प्लस सी से यूनिट बना लेंगे। अब आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे। इसमें गोडाउन था तो आप प्रेस करेंगे F11, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, आप इस ऑप्शन को यस कर देना, एंटर करके सेव कर देंगे। मेन लोकेशन पे आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन, ये अपन ने मेन लोकेशन पे परचेज किए थे 5 पीस और 5 पीस गोडाउन 1 में, तो आप एंटर करने के बाद अब आप अल्टा प्लस सी से यहाँ बनाएंगे गोडाउन 1, एंटर करके सेव। अब 5 पीस आपने इसमें परचेज किए, एंटर करेंगे यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप एंटर करना फिर एंटर करना। अल्टर प्लस सी से सेकेंड आइटम बना लेंगे सैमसंग, अंडर में इसका ग्रुप भी हो जाएगा मोबाइल और यूनिट हो जाएगी पीसेस, एंटर करके सेव। गोडाउन अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे गोडाउन 2 बना लेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। 10 पीस है, 1 का रेट है 25,000, एंटर कर देंगे। अब आप इसमें एक बार और एंटर करेंगे, अल्टे प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे, डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट परचेस वाला है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, एंटर करके सेव कर देंगे। -5% है, -5% यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा, एंटर करके सेव कर देंगे। इसकी एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में, माल जला है तो बाय में क्या आ जाएगा लॉस बाय फायर, अल्टे प्लस सी से आप लॉस बाय फायर से लेजर बना लेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट, अंडर में आ जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 15,000, 2 में आ जाएगा परचेस, क्या चला है माल, तो आप 2 में लिखेंगे परचेस, एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, बाय में लॉस बाय फायर, 2 में परचेस, एंटर करके सेव। माल बेचा, एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में, पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा केस, सेल्स लेजर में सेल्स, अल्टा प्लस सी से सेल्स का लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट में, एंटर करके सेव।
यहाँ आप लिखेंगे सैमसंग मोबाइल, अपन गो डाउन टू सेल्स एंड 3 पीस, एक करेक्ट 28,000, एंटर कर देंगे, आप एंटर कर देंगे और भी इतना ही, अपन ऐसे यहाँ से एंटर करके सेव कर देंगे। अपन एसकेप से बैच चलते हैं, अभी आप यहाँ वाउचर एंट्री कर रहे थे एफ एड से सेल्स वाउचर में, ठीक। अपन यहाँ पे नगद माल बेच रहे थे तो आप देख रहे थे, अपन जब यहाँ पे सैमसंग का मोबाइल सेल करते हैं तो गोडाउन कौन से में आपके पास, गोडाउन 2 में 7 पीस है, लेकिन आप ये 5 पीस मेन लोकेशन पे ट्रांसफर करें, 5 पीस आप मेन लोकेशन पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तब आप एसकेप से बैच आएंगे। अब आप जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर पे, इन्वेंट्री वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे नेम ऑफ आइटम, सैमसंग मोबाइल है, अभी कौन से गोडाउन में अपने पास, गोडाउन 2 में, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गोडाउन 2, कितने पीस ट्रांसफर करना है, 5 पीस, ठीक है। रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप एंटर करेंगे एंटर, फिर अदर और आइटम है तो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, वरना आप एक बार और एंटर करेंगे तो वो इस साइड आ जाएगा। सैमसंग मोबाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ भी आप लिखेंगे सैमसंग मोबाइल, यहाँ आपने डाला था गोडाउन 2, क्योंकि वो कहाँ पे था, गोडाउन 2 पे ट्रांसफर कहाँ करना है, मेन लोकेशन पे, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन, 5 पीस करना है, यहाँ भी आप डालेंगे 5 पीस, एंटर करके सेव कर देंगे। अब एस्केप से बेच चलते हैं नेक्स्ट फोन, अब वाउचर एंट्री करेंगे, आप इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, अल्ट प्लस सी से पहले लेजर बनाएंगे वेजेस अकाउंट, अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अमाउंट, फिर आप एंटर करेंगे, इसे आप यहाँ पे बाय करेंगे सैलरी पे, कर अल्ट प्लस सी से सैलरी का लेजर बना लेंगे, सैलरी अकाउंट अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, फिर आप इसे यहाँ बाय करेंगे अल्ट प्लस सी से आप लेजर बनाएंगे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अमाउंट, और 2 में आ जाएगा केस, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। माल बेचना तो एंट्री आप करेंगे एफ एड से सेल्स वाउचर में, पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा केस, सेल्स लेजर में सेल्स वीवो मोबाइल सेल्स कर रहे हैं मैन लोकेशन से, 3 पीस, एक करेट ये, अब आपने हम सैमसंग मोबाइल सेलेक्ट किया, देखिए पहले अपने पास गोडाउन 2 में थे 7 पीस, अब 5 पीस कहाँ ट्रांसफर होगा, मेन लोकेशन पे, अब 5 पीस आपके मेन लोकेशन पे और 2 पीस गोडाउन 2 में, अपन मेन लोकेशन से सेल कर रहे हैं 2 पीस, एक का रेट 28,000, एंटर करके सेव कर देंगे, डिस्काउंट है इस पर कितने थे, अब बता दीजिए प्रियंका दी आप आई थी कि नहीं। किस चीज सही आ रहे आपकी, आप लोगों ने क्या गलती कर दी, कितनी आ रही थी आपकी बैलेंस शीट, 5,18,500, आपने ऐसा फोटो क्लिक नहीं किया था बैलेंस शीट का, आपसे पूछ रहे हैं प्रियंका जी, फोटो नहीं लिया था आपने इसका, अच्छा हाँ हम भूल गए थे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और मिला दीजिए, क्या बोलूँ आप लोग क्या रहे कैंसिल की बैलेंस, 5,15,000, मतलब से मेगा जी सही आ रही, बाकी की गलत आ रही, प्रॉफिट एंड लॉस भी सही आ रही, कौन से वाले पर हो सकता है, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बोलिए कर लेंगे अपना इन्वेंट्री वाला।